Hello friends, this video for CA Foundation inter and final student. In this video, we will discuss about 3-month study plan, 3 times revision and some top tips, tricks and guidance. So watch this video, but before I want to tell you, please download our Android app for receiving all free services. Services like free test series, free daily study target, free mentoring classes, free calling support for guidance, free study facilities, free notes, institute related news, exam related news, articleship and vacancy news, everything you will get free on this app. So you will get a link in description box. Okay, so इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3-month स्टडी प्लान, 3 times रिवीजन प्लान एंड सम कुछ गाइडेंस मैं दूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा. कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट के, जैसे वो स्टडी करते हैं और भूल जाते हैं, तो उसके भी सोल्यूशन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. नॉर्मली मैं बताऊँ तो इस वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा. इस वीडियो को एंड तक देखें और इसको देखने से पहले आप TSP का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले. उसका नाम है द साइलेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ CA एंड CS. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है एंड्रॉयड ऐप का, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो. उस ऐप में आपको ग्रुप स्टडी का फैसिलिटीज़ मिलेगा, आप फैकल्टी से चैट कर सकते हो, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ से नोटिफिकेशन ले सकते हो. सारी चीज़ें जो एक CA CS और CMA वाले स्टूडेंट को चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई प्रमोशनल मैसेज भी आप पे नहीं जाएगा. ओके, सो अब हम लोग देखेंगे स्टडी प्लान कि किस तरह से हमने इस बार प्लान बनाया है. स्टडी प्लान जब आप ये शेड्यूल को ओपन करोगे, रिमेंबर कि शेड्यूल का जो फॉर्मेट है फाउंडेशन वालों के लिए, IPSC इंटर और फाइनल वालों के लिए एक ही है. मैं इस वीडियो में सिर्फ एक शेड्यूल दिखा रहा हूँ. सारे शेड्यूल सेम फॉर्मेट में बने हुए हैं, अलग अलग सिर्फ डेट्स हैं उनके. ओके, सो शेड्यूल के सबसे पहले तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक, कुछ हमारे व्हाट्सएप का लिंक, सोशल मीडिया का लिंक आप देखोगे. उसके बाद आप जब यहाँ आओगे तो यहाँ पर PDF के बारे में लिखा हुआ है कि इस PDF में क्या क्या है. तो पेज नंबर 3 से 7 टेस्ट सीरीज़ का डिटेल है, पेज नंबर 7 से 14 ग्रुप 1 टेस्ट शेड्यूल है, और फिर इसी तरह से पूरा एकदम पेज नंबर लिख दिया गया है. सो यू कैन चेक दिस, यू कैन फर्स्ट रीड द पेज नंबर देन गो. ओके, सो पेज नंबर है यहाँ पे एडवांस टेस्ट शेड्यूल. तो मैं पहले शेड्यूल के बारे में ही आपको बता देता हूँ. टेस्ट शेड्यूल के बारे में, टेस्ट शेड्यूल जो कि हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से हमारा टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टेस्ट सीरीज. टेस्ट को डिजाइन किया गया है आपके स्टडी और रिवीजन के अकॉर्डिंग. उतना प्रॉपर टाइम आपको दिया गया है कि आप उतने दिन में रिवीजन करके और स्टडी भी करके आप टेस्ट लिख पाओगे. ओके, सो टेस्ट की सारी डिटेल है, आप अपना रीड कर लेना जब PDF फाइल आपको मिलेगा. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गाइडेंस और स्टडी से रिलेटेड मैटर पर डिस्कस करेंगे. ओके, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले टेस्ट शेड्यूल ग्रुप 1 के लिए आएगा, उसके बाद आपका ग्रुप 2 के लिए आएगा, और उसके बाद बोथ ग्रुप वालों के लिए आएगा. सेम आपका स्टडी शेड्यूल भी आएगा. सो अब हमारा स्टडी शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है. टेस्ट का आप देख लेना, यू कैन चेक द टेस्ट डेट एंड डिटेल्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस. ग्रुप 1 में टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 में 4. ओके, यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं आपके. टिप्स क्या है? ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स बिफोर स्लीपिंग एंड रिकॉल व्हाट एवर यू स्टडी टुडे.
ओके, सबसे बड़ा जो मिस्टेक है स्टूडेंट क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। जैसे अभी सीए वालों के पास शॉर्ट टाइम है तो आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा, मान लो कि जो थ्योरी वाले हैं तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जो उसके मेन मेन टॉपिक है उनको लिख लेंगे, एक हमारा सेपरेट कॉपी होगा उस कॉपी पे मेंशन करेंगे लेसन नंबर 1 और सारे टॉपिक को लिख डालेंगे उसमें। ओके, पेज नंबर हम रेफरेंस के लिए देंगे कि बुक के पेज नंबर 1 का ये टॉपिक है, पेज नंबर 2 का टॉपिक है, तो रेफरेंस देने से आप रिकॉल के टाइम आप आसानी से उसको खोज सकते हो। ओके, रिकॉल एवरीडे रात को एक वो उसका मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। सेकेंड पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट्स इन योर लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो देखो, हम लोग जो भी पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जिस जो नॉलेज हमारे अंदर आता है और जिस लैंग्वेज में हमें वो याद रहता है, हमेशा हमें उस लैंग्वेज में ही शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। नहीं तो अगर आप बुक को कॉपी करके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप भूल जाओगे, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो कुछ याद ही नहीं आएगा। सो ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स इन योर लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज यू हैव स्टडीड थ्रू आउट द डे। ओके, नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स राइट द लेसन्स एंड पेज नंबर इन योर कॉपी एंड सेट टाइमर ड्यूरिंग स्टडी। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो अपने कॉपी में पेज नंबर लिखना, बुक का पेज नंबर कितने नंबर की, कौन से लेसन्स के कितने नंबर पेज के शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो तो वो मेंशन करना। एंड टाइमर लगा के स्टडी करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आप खुद को देख पाओगे कि एवरीडे आप कितना स्टडी कर रहे हो। ओके, इससे खुद पे आप वॉच रख सकते हो। हमारा जो टारगेट स्टडी बैच चलता है उसका भी 2 दिन बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन का। अगर आप टारगेट स्टडी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। सो टारगेट स्टडी बैच में क्या होता है कि वहाँ पे आपको डेली रिपोर्ट करने होते हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी करके कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इस बार हमारा टारगेट स्टडी बैच चलेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। ओके, अगर आपको टारगेट स्टडी बैच ज्वाइन करना है तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप हमें मैसेज करें। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो हमें मैसेज और हमें आप TSP के एंड्रॉयड ऐप चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक बैच का लिंक दिया जाएगा, उस बैच में टारगेट स्टडी चलता है, उसमें आप क्यूरीज पूछ सकते हो, उसमें आपको टारगेट मिलेगा और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो आपको कॉल भी किया जाएगा और आपको वहाँ पर रिप्लाई भी किया जाएगा। ये सारी सर्विसेज फ्री है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को स्टडी करना है, टारगेट अचीव करना है। सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स राइट द लेसन एंड पेज नंबर इन योर कॉपी एंड सेट टाइमर ड्यूरिंग स्टडी। बिल्कुल, स्टडी के समय आपको टाइमर को सेट करना है और एक दिन में आप कितने आवर्स स्टडी किए इस चीज़ को आपको एवरीडे कैलकुलेट करना है। और जब आप हमें टाइमर का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो हम लोग भी एवरीडे देखते हैं कि स्टूडेंट किस रेशियो में ग्रो कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सो आपको टाइमर का स्क्रीनशॉट हमें डेली भेजना है सोने से पहले। ओके, दूसरा एक चीज़ होता है कि अगर आप बहुत दिनों के बाद स्टडी करने के लिए बैठ रहे हो और आप सोचोगे कि आज ही 10 घंटे हो जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, हमें 6 आवर्स स्टार्ट करनी चाहिए। आज आप 6 आवर स्टडी करो, कल 30 मिनट इंक्रीज करो, फिर उसके बाद 30 मिनट इंक्रीज करो, एवरीडे 30 मिनट इंक्रीज करते जाओ और जब 10 से 12 घंटे हो जाएंगे फिर वहाँ पे आप कंटिन्यू रहो। मतलब क्या है, अपनी इफिशियंसी को एवरीडे बढ़ाना है। आज अगर हम 6 घंटे पढ़ रहे तो कल 6:30 करेंगे, कल उसके कल होके 7 करेंगे, फिर 7:30 करेंगे, ऐसे एवरीडे हम उसको बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट, स्टॉप स्टडिंग एंड स्टार्ट टीचिंग। स्टॉप स्टडिंग एंड स्टार्ट टीचिंग के लिए मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है या फिर वो पढ़ते तो याद नहीं होता है। तो टीचर्स का क्या कंसेप्ट होता है, कोई भी जब CA बनता है और उनको टीचिंग फील्ड में जाना होता है तो उनके लिए हर चीज़ फर्स्ट टाइम होता है। वो फिर से पढ़ते हैं रात को और जाके सुबह में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि उनका इंटेंशन होता है पढ़ाना, इसलिए उनके माइंड में सब कुछ रहता है, वो भूलते नहीं हैं। सो आपको अपना इंटेंशन चेंज करना होगा, आपको ऐसा सोचना होगा कि सामने कोई स्टूडेंट बैठा है, जस्ट इमेजिन दैट कि सामने कोई बैठा हुआ है और आप उसको टीच कर रहे हो। ओके, सो इफ यू हैव प्रॉब्लम रिमेम्बरिंग देन इमेजिन दैट यू आर टीच समवन।
आप इमेजिन करो कि आप किसी को टीच कर रहे हो. नेक्स्ट, आफ्टर वॉचिंग अ मूवी यू डोंट फॉरगेट द स्टोरी बिकॉज दैट टाइम विजुअलाइजिंग सिस्टम रिमेन एक्टिव इन आवर माइंड. सो यू कैन फॉलो दिस कंसेप्ट एंड मेक सम कैरेक्टर इन योर माइंड एंड विजुअलाइज द टॉपिक ड्यूरिंग अ स्टडी. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिंपली तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो कुछ भी आपको याद नहीं रहने वाला है. सो पहला कंसेप्ट तो मैंने बताया टीचर वाला, कि आप पढ़ाना स्टार्ट करो. मतलब यूट्यूब पे जाकर पढ़ाना स्टार्ट मत करो, आप ऐसा सोचो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, घर पे आप किसी को पढ़ा रहे हो, ऐसा सोचो सामने कोई बैठा हुआ है पढ़ा रहे हो. दूसरा कंसेप्ट होता है विजुअलाइजेशन का. विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल करते हैं कि सर आप बताइए विजुअलाइजेशन हम कैसे करेंगे इस टॉपिक पे, तो हम उन्हें गाइड भी करते. आप भी कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी. तो विजुअलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब होता है कि मान लो कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक में जो भी कैरेक्टर है उसको हम जो भी पॉइंट्स है उसको हम कैरेक्टर में शिफ्ट कर देंगे और विजुअलाइज कर लेंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. जैसे मान लो कि इंटरनल ऑडिट, ओके, मान लो कि एक टॉपिक है इंटरनल ऑडिट और एक बंदा आता है आपका फॉर्म में, एक बंदा आता है और बोलता है कि सर व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट. मतलब आप टॉपिक पढ़ रहे हो बुक में इंटरनल ऑडिट, अब उसमें दो कैरेक्टर हो गए, एक तो सीए हो गया और एक हो गया क्लाइंट. अब क्लाइंट जाता है सीए के पास और सीए से पूछता है सर व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट. अब आप जो कि अपने आप को सीए समझ रहे हो, आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है. इसको कहते हैं कैरेक्टर क्रिएट करना. ओके, किसी भी टॉपिक में चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, अगर आप कैरेक्टर क्रिएट करके स्टडी करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी चीज़ को याद रख सकते हो. ओके, सो जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी बताया, आपको भी इमेजिनेशन एक विजुअलाइजिंग माइंड में आ गया होगा. सपोज़ फिर से मैं ये एग्जांपल बताता हूँ. मान लो कि आप इंटरनल ऑडिट का पेज ओपन करके बैठे हो स्टडी करने के लिए. अब उसको हमें कैसे विजुअलाइजिंग कंसेप्ट में कन्वर्ट करना है, तो अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप को समझो सीए और किसी एक को बना दो क्लाइंट. अब वो क्लाइंट आ रहा है आपके पास और आपसे पूछ रहा है सर व्हाट इज़ इंटरनल ऑडिट, यही है कैरेक्टर क्रिएट करना. और इस तरह से कैरेक्टर क्रिएट कर करके आप याद करो, चाहे वो आईटी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में हो सकता है. आप ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मुझे कॉल करो, आई विल हेल्प यू. नेक्स्ट, स्टडी टाइम टेबल फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट. जिनका बोथ ग्रुप है नवंबर में, ये उनके लिए सेट है. इस बार टोटल 7 सेट है. 7 सेट का मतलब क्या होता है, सेट ए बी सी डी ई एफ जी. मतलब जो स्टूडेंट मॉर्निंग के 5 AM में उठते हैं वो 5 AM वाला स्लॉट, यानी कि 5 to 8, फिर 9 to 1, इस तरह से 5 AM वाला स्लॉट फॉलो करेंगे. जो स्टूडेंट 6 AM में उठते हैं वो 6, जो 7 AM में उठते वो 7. ओके, सो ये ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन डेली एक ही फॉर्मेट को फॉलो करें, एक ही सेट को. अगर आप आज सुबह 7 बजे उठते हो तो 7 बजे वाला फॉलो करो, कल 10 बजे उठते हो तो 10 बजे वाला फॉलो करो. मतलब ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ कल मैंने 7 बजे पढ़ा, आज 10 बज गया, 10 बजे उठा, मेरा 2-3 घंटा तो बर्बाद हो गया. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिया है. अगर आप 7 बजे उठते हो तो 7 बजे फॉलो करो, कल 10 बजे उठते हो तो 10 बजे, अगर परसों 11 बजे उठते हो तो 11 बजे का फॉलो करो. इस तरह से टोटल 7 सेट है और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है हमारे इस शेड्यूल का. ओके, सो ये तो बोथ ग्रुप वालों का हो गया. इसमें मिनिमम स्टडी आवर्स रिक्वायर्ड है और कब हमें स्टडी करना चाहिए, प्रैक्टिकल का कब थ्योरी का, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन है. ये सिंगल ग्रुप वालों का है और ये उनके लिए जो आर्टिकलशिप करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी अलग से टाइम फॉर्मेट बनाया गया है, 7 सेट. ओके, ये सेट आप देख लेना. जो आर्टिकलशिप है जिनका, उनका सैटरडे का भी अलग है, संडे का भी अलग है और मंडे टू फ्राइडे का भी अलग है, आप इसको देख लेना. ये है 3 मंथ स्टडी रिविजन प्लान फॉर सी ए फाइनल न्यू सिलेबस ग्रुप 1. मैंने आपको बोला कि सेम फॉर्मेट में सी ए फाउंडेशन इंटर आईपीसीसी फाइनल सबका है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल को ओपन करके डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ. ओके,
सो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी शेड्यूल में आप सबसे पहले ग्रुप वन को देखोगे, उसके बाद ग्रुप टू को देखोगे और उसके बाद बोथ ग्रुप को देखोगे। मैं यहाँ ग्रुप वन को डिस्कस कर दूंगा कि कैसे बनाया गया है। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट टाइम स्टडी प्लस फर्स्ट एंड रिवीजन प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम रिवीजन। ओके, मतलब ये जो दो कॉलम है इसमें आपका स्टडी और फर्स्ट एंड सेकेंड रिवीजन का है, एंड इसके बगल वाले कॉलम में थर्ड टाइम रिवीजन है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि स्टडी कैसे करना है और रिवीजन कैसे करना है। यहाँ पे आपका डेट्स हो गया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नंबर हो गया, सब्जेक्ट नेम हो गया। हम दो सब्जेक्ट के साथ स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, दो सब्जेक्ट के साथ स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो अब रिवीजन कैसे होगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, फर्स्ट रिवीजन रिवाइज एवरी डे बिफोर स्लीपिंग व्हाट एवर यू स्टडी टुडे। फर्स्ट रिवीजन आपका आज ही होगा। मान लो कि आज आपने एक लेसन पढ़ा FR का, तो आज रात को सोने से पहले मान लो कि 10 बजे तक आपने FR कंप्लीट किया एक लेसन। ओके, FR का एक लेसन कंप्लीट किया आज रात को 10 बजे तक। अब 10 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके आप क्या करोगे, आप अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे। रिवीजन मतलब वही रिकॉल, रिवीजन स्टार्ट करोगे, जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा उसको आज रिवाइज करके सोना है। ओके, इस तरह से आपका फर्स्ट रिवीजन होगा। सेकेंड रिवीजन कैसे होगा, सेकेंड रिवीजन का डेट यहाँ पे मेंशन है, देख लो आप, टुडे सेकेंड टाइम रिवाइज ऑल द एवर चैप्टर्स एंड राइट अवर चैप्टर वाइज टेस्ट। तो फर्स्ट तो हम एवरी डे रात को सोने से पहले कर रहे हैं, सेकेंड 3-4 दिन के बाद एक डेट फिक्स किया गया है इस शेड्यूल में, 3-4 दिन के बाद एक जो स्पेसिफिक डेट है उस डेट को आपको रिवीजन करना है। ओके, सो उस दिन रिवीजन करके आपको क्या क्या करना है, टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट सीरीज हमारे लेते हो तो टेस्ट लिखो, अगर नहीं लेते हो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं या फिर अगर आपके पास बुक है तो उसके उसके जो उस लेसन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करो। मतलब हमें इस डेट को प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इस डेट को या तो टेस्ट लिखनी है या फिर प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये तो सेकंड रिवीजन हो गया। थर्ड रिवीजन आप यहाँ पे देखो, इस कॉलम में देखो, थर्ड टाइम रिवाइज FR लेसन 1 एंड 3। ओके, मतलब फोर्थ कॉलम में आपका रिवीजन का, थर्ड टाइम रिवीजन 4th एंड 5th जो कॉलम है उसमें आपका रिवीजन का है, थर्ड टाइम रिवीजन का है। तो इसमें एक स्पेसिफिक डेट के बाद, जैसे 3-4 दिन के बाद तो आपका सेकेंड टाइम रिवीजन हो रहा है और एवरी डे आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है, और कम से कम 7 से 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आपका थर्ड रिवीजन भी हो रहा है। तो यही फॉर्मेट है फाउंडेशन इंटर और फाइनल वालों का। अब 3 रिवीजन स्टडी के साथ लेने का क्या मतलब बनता है, इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्टडी करता है तो आउट ऑफ 100% स्टूडेंट को 40 से 50% ही याद रहता है, बाकी के 50% वो 1-2 दिन बाद या फिर 1 वीक बाद वो भूल जाते हैं। रीज़न क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट रिवीजन कब करते हैं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। हमें रिवीजन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नहीं करना चाहिए, ये एक टॉपर्स का सीक्रेट है। सिलेबस के कंप्लीट होने का वेट ना करें आप, स्टडी के साथ आपका 3 रिवीजन चलेगा। ओके, तो फर्स्ट रिवीजन मान लो कि अगर आप आज ने स्टडी आप आज स्टडी किए 50% याद रहा, रात को 10 बजे के बाद जब आप फर्स्ट रिवीजन के लिए बैठोगे तो 20% और याद हो जाएगा, तो 70 हो गए। ओके, उसके बाद 30% जो अभी भी आपको याद नहीं हुआ, जब आप सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन करोगे तो उसमें बाकी के वो 30% भी कवर हो जाएंगे, और इस तरह से आप 100% याद रख पाओगे। ओके, तो इसलिए 3 रिवीजन दिया गया है। सो इसी टाइप का सभी का है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ब्रीफ में मैं समझा देता हूँ इस शेड्यूल का मतलब, इस शेड्यूल का फीचर्स मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस शेड्यूल को बनाया गया है क्योंकि हमारा फ्री मेंटरिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। मेंटरिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, आप हमें व्हाट्सअप करें कि आई वांट टू ज्वाइन मेंटरिंग क्लासेस। ओके, मेंटरिंग क्लासेस में आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, और स्टडी करके आपको एवरी डे सोने से पहले टाइमर का स्क्रीनशॉट सेंड करना है और हमें मैसेज करना है, TSP के एंड्रॉयड ऐप पे मैसेज करना है, और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, और मैसेज करके इन्फॉर्म करना है कि सर आज का टारगेट अचीव हुआ,
अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो तो उसके लिए भी हम प्लान आपको बताएंगे, सपोर्ट करेंगे। कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको कॉलिंग की फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको कॉल किया जाएगा, आप फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हो। ओके, सो मेंटरिंग क्लासेस नॉर्मली आप पे फोकस रखा जाएगा कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपसे पूछा भी जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, आपसे रीज़न पूछे जाएंगे। ओके, तो आप हमारे मेंटरिंग क्लासेस को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और एंड्रॉयड ऐप का लिंक भी है। उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, एडवांस टेस्ट सीरीज, तो वेरी नॉमिनल फी में, बहुत कम फी में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, वहाँ पे आपको प्रोसीड्यूर बता दी जाएगी। ओके, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। इस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप अपना शेड्यूल बनाना चाहते हैं, तो सेम फॉर्मेट में आप बैठना रात को और शेड्यूल बना लेना, सेम फॉर्मेट में शेड्यूल बना लेना आप। ओके, अगर इसको फॉलो नहीं करना चाहते हो तो दूसरा कि या तो आप अपना फॉलो करो बना के सेम टाइप का, या फिर हमारा करो, फिर भी आप हमें रिपोर्ट करो। वहाँ आपको मोटिवेशन मिलेगी, वहाँ आपको सपोर्ट मिलेगी, वहाँ पे आप देखोगे कि आपके बैच के स्टूडेंट, आपके अटेम्प्ट के स्टूडेंट, आपके क्लास के स्टूडेंट कितना स्टडी कर रहे हैं, उनको देख के आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और आप भी स्टडी करोगे। ओके, ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का चार्ज है चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस के, वो इसलिए क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होता है, हमारे फैकल्टीज़ को भी फी देनी होती है, इसलिए बहुत कम चार्ज हम लोग लेते हैं। ओके, सो क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग स्टडी करना है, टेस्ट देना है और इमेजिनेशन के थ्रू स्टडी करना है। ओके, सी यू सून।